जेवर चमकाने के नाम पर ताबड़तोड़ जालसाजी की वारदात को अंजाम देने वाले दो बाइक पर सवार चार उचक्कों को खोराबार और क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को रामनगर करजहां अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से गला हुआ सोना, 10,120 रुपए नकदी और नशीली दवा बरामद किया है। पुलिस फरार चल रहे उनके तीन अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। SSP जोगेंद्र कुमार ने जेवरात चमकाने के नाम पर हुई 9 घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि बाइक सवार उचक्के जिले में देहात से लेकर शहर तक ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दे रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया था। आम जन की जागरूकता का परिणाम रहा कि शुक्रवार की सुबह खोराबार पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने रामनगर करजहां के पास दो बाइक सवार पर चार उचक्कों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से जेवर साफ करने वाला पाउडर, गलाया हुआ सोना और चांदी, 10,120 रुपये और 400 ग्राम नशीली दवा बरामद किया है। पूछताछ में उनकी पहचान बिहार के कटिहार जिले के ओडीपाड़ा निवासी सुरेंद्र शाह, सहरसा बख्तियारपुर क्षेत्र के सेमरी निवासी राजेश कुमार सोनी, समस्तीपुर दयाल चौक घाटो क्षेत्र के बहादुरपुर अमरौली निवासी शंभू शाह और दरभंगा जिले के विरुल क्षेत्र के वैरमपुर निवासी सुनील शाह के रूप में हुई है। वह नौथर क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहते थे। वह दो दो के गुट में बंटकर शहर और देहात क्षेत्र में जाकर जालसाजी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस फरार चल रहे उनके तीन अन्य साथियों बेगूसराय के नितिन कुमार, पीयूष और विक्की शाह की तलाश में लगी हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी नासिर हुसैन, उप निरीक्षक रविसेन यादव, रामदयाल सिंह, पंकज सिंह, हेड कांस्टेबल संजय कुमार सिंह, मनोज सिंह, कांस्टेबल तेज सिंह, नंदन शर्मा, रविशंकर पटेल और स्वाट टीम प्रभारी उप निरीक्षक सादिक परवेज, मैं हमरा, SOG टीम उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह मैं हमरा शामिल रहे। खुलासे के दौरान SPCT डॉक्टर कौस्तुभ, SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, CO गोरखनाथ रत्नेश सिंह, CO कैंट सुमित शुक्ला मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP जोगेंद्र कुमार ने कहा, लेके जाओ, पकड़ के ले जाओ भैया, अंदर ले जाए पकड़ के। पिछले कई दिनों से जनपद में कुछ जालसाज दिन के टाइम में सेल्समैन बन करके गांवों में घरों में घुस करके वहाँ कुछ अपना सामान बेचने को लेकर के सेल्समैन बनकर के महिलाओं को साथ ठगी कर रहे थे और उनसे जेवर चमकाने की बात पर जेवर लेके फरार हो जाते थे। इस गैंग का पर्दाफाश हुआ है जिसमें हम लोगों ने चार लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम सुरेंद्र शाह, राजेश कुमार सोनी, शंभू शाह और सुनील शाह है। चारों ही बिहार के रहने वाले हैं। साथ ही तीन और अन्य इसी ग्रुप के लोग जो फरार है, नितिन कुमार, पीयूष और विक्की शाह, इसके लिए टीम जल्द ही बिहार इनको अरेस्ट करने के लिए जाएगी। जब ये चार अरेस्ट हो गए तो ये लोग बिहार भाग गए हैं। इनके यहाँ से बरामदगी जो है वो लगभग 3.5 ग्राम पीली धातु यानी सोना, नकद 10,120 रुपये जो सोना बेचा उसके पैसे जो इनके मिले थे वो मिले हैं। 400 ग्राम इनसे नशीली वस्तु मिली है पिसी हुई और कुछ सोना चांदी चमकाने के उपकरण मिले हैं और बिजनेस की स्टार्टर गाइड बुकलेट मिली है। 2 अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है जिससे ये लोग चलते थे और घटनाएं कारित करते थे। CCTV फुटेज की मदद से और सर्वेलांस की मदद से, कुछ पब्लिक की मदद से इसमें सफलता प्राप्त हुई। खोरापार में एक दंपत्ति है जिन्होंने इसमें बहुत हेल्प करी हम लोगों की, उसको लेकर के और इस सफलता प्राप्त हुई है पुलिस को और उसमें हम लोगों ने चार लोगों को जेल भेज रहे हैं। उसमें गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और पब्लिक को से भी आह्वान करते हैं कि इस तरीके की ठगी और जालसाजों के जालसाजी में ना आए। ये पिछले कई महीनों से सक्रिय थे आसपास शहर गोरखपुर में भी और गोरखपुर के आसपास के एरिया में और आसपास के ज़िलों में भी। इन्होंने अभी तक 9
9 घटनाएं कारित करी थी जो पुलिस के संज्ञान में आई है, 9 में FIR दर्ज है और उनमें 9 मुकदमों में ये लोग जेल जा रहे हैं और वांटेड भी जो 3 हैं वो भी सभी मुकदमों हमने वांटेड किए हैं। ये असातिर अपराधी हैं और जालसाजी करते हैं। सूचना देने वाले को हम लोग इनाम भी देंगे और प्रशस्ति पत्र भी देंगे और जो आने वाले 15 अगस्त और 26 जनवरी रहेगी हमारी। उम्र गोरखपुर में ये लोग मकान किराए पर लेते थे और मकान बदलते रहते थे, समय समय पर किराए पर लेके रहते थे और समय समय पर बदलते भी रहते थे। जैसे ही जहाँ पुलिस की निगाह पड़ी और पुलिस जहाँ इनके खिलाफ कार्रवाई करने की सूचना जब इन लोगों को मिल जाती थी तो वहाँ से फरार हो जाते थे। लोकल अभी तक कोई सहयोगी इनके सामने नहीं आया, इनकी ठगी में कोई सहयोगी सामने नहीं। जहाँ किराएदार रखते थे इन लोगों को, रहते थे ये लोग जहाँ पर, उनकी वेरिफिकेशन अभी चल रहा है कौन कौन लोग थे और इनका वेरिफिकेशन भी हम लोग कराएंगे। और पब्लिक से अभी अपील करते हैं कि जो भी मकान किराए पर दें वो पुलिस से सत्यापन अवश्य कराएँ।